नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? आज हम योग करेंगे वेरिकोज वेन्स के लिए, जिसको करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है। मेरे दोनों तरफ आप तस्वीरें देख रहे होंगे। दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो है वेरिकोज वेन्स की। इसमें आपकी जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो सूज जाती हैं, साथ में आपस में फंस के वो गांठें बना लेती हैं, इसलिए स्किन पे आपको छोटे छोटे दाने नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है स्पाइडर वेन्स की। इसमें वेन से भी छोटी नसें होती हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। इनमें जब खून इकट्ठा होने लगता है तो आपके स्किन पे गाढ़ी बैंगनी रंग की, आपको मकड़ी के जाल जैसी छोटी छोटी नसें नज़र आने लगती है। इसको कहा जाता है स्पाइडर वेन्स। पर दोनों ही समस्याओं का जो कारण है वो ये है कि आपकी वेन्स में मौजूद वॉल्व्स का खराब होना। ये वॉल्व्स हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। ग्रेविटी के कारण जो खून हमारा नीचे की तरफ आता है उसको दोबारा ऊपर की तरफ पंप करने में बहुत हेल्प करते हैं। पर किसी कारण से अगर ये वॉल्व काम ना करें तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, जिसके कारण खून कैपिलरीज में, नसों में इकट्ठा होकर जमा होने लगता है, जिसके कारण सूजन होती है और आपको ये दर्द महसूस होता है। जितने भी लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या होती है, वो जब बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं या पैर उनका नीचे की तरफ होता है और जब वो उठते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, पैर काफ़ी सूज जाता है और उस हिस्से में काफ़ी खुजली भी होती है। और ये दिक्कत जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको चलने में, उठने में, बैठने में भी परेशानी शुरू हो जाती है। योग के माध्यम से हम इस दिक्कत को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए साथ में हम योगासन शुरू करते हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप करेंगे तो आपको वेरिकोज वेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस आपको जैसे मैं करा रही हूँ ऐसे ही आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप इस तरीके से सुखासन में आके बैठ जाएं और इसके बाद हम बद्धकोण आसन में बैठेंगे, जिसमें पैरों के तलवे आपस में मिला देंगे और करेंगे तितली आसन। तो थोड़ा सा शुरू करने से पहले वार्म अप कर लेते हैं पैरों के लिए। तो दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाया और हल्के हल्के हम इसे ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे। तो आपको कितनी बार करना है? 15 से 20 बार मिनिमम करना है और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 40 से 50 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है, आराम आराम से आप करें। ध्यान रखिए कि आपकी जो पीठ है वो इस तरीके से मुड़ी नहीं होनी चाहिए, पूरा अच्छे से चेस्ट खुला हुआ होगा। हाथ चाहें तो ऐसे सीधे रख लें, सपोर्ट ले लें और इस तरीके से हल्के हल्के आप फ्लैप करें। तो ये हो गया बटरफ्लाई पोज, ये आप करते रहें और इस समय पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। चाहे तो इस तरीके से आंखें बंद कर लें। वेरिकोज वेन्स की समस्या प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आज का सेशन आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लेट जाएंगे इस तरीके से, अपना राइट लेग उठाइए और इस एंकल को 10 बार रोटेट कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हल्के से पैर को ले आइए वापस, यही चीज़ दूसरे पैर के साथ कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी आपको टाइम मिले ये सेशन कर लें। ये आप भरे पेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेट के करना है, बिस्तर पे सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे से अपने दोनों पैरों को पहले नीचे लेके जाएंगे और किसी बेल्ट की मदद से, अगर बेल्ट नहीं है तो आप दुपट्टा ले सकते हैं सूती कपड़े का। इससे आप क्या करेंगे, अपना एक पैर को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर फंसाएंगे, हल्के से पैर को सीधा करेंगे, इसका पूरा सपोर्ट लेंगे। ये देखिए, जब पूरा पैर सीधा हो जाएगा, हाथों को यहाँ पे लेके आ जाएं और देखिए आर्म्स मेरी अच्छे से नीचे रखी हैं। फिर कोशिश करें घुटने को अच्छे से सीधा करने की और जो आपकी पैरों की उंगलियाँ हैं उसको अपनी तरफ खींचें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देंगे और अपनी तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे कम से कम 20 सेकेंड आपको रुकना है। कोशिश करें कि आपको
कोशिश करेंगे कि घुटना सीधा रखें। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, एज के साथ वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है, और अगर आपको कब्ज़ बना रहता है तो भी आपको वेरिकोस वेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर उठा के रखना है ताकि जो फ्लो है वो अच्छे से हो पाए और वो गांठे और सूजन की शिकायत हमें ना हो। तो कम से कम आराम से 20 सेकंड के लिए इस तरीके से अपने पैरों को रखें। छोटी छोटी एक्सरसाइज डेली करेंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। और धीरे से पैर को ले आएँ वापस। सेम चीज़ जो हमने इस पैर के साथ करी, लेफ्ट पैर के साथ कर लेंगे। ये देखिए, हल्के से घुटने को सीधे कीजिए, पूरा सीधा हो जाएगा। आर्म्स को ऐसे नीचे, फिर अंगूठे को और उंगलियों को अपनी तरफ। आराम से यहाँ पे रिलैक्स करें। ये आज का सेशन बहुत आसान है। तो अगर आप वजन जब बहुत ज़्यादा होता है तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, ये आराम से आप अपने बिस्तर पे लेट के कर सकते हैं और बहुत आराम मिलेगा आपको। तो जो खुजली और दर्द की प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। आराम से 20 सेकेंड यहाँ पे रहें। पूरा पैर सीधा रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बस यहाँ पे प्रेशर देंगे ताकि पैर हमारा सीधा रहे। धीरे से आ जाएं नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, एक तकिया लेंगे जिसको आप अपने हिप के नीचे रख लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो हिप है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमारा जो खून है वो नीचे आता है, इसीलिए जब बहुत देर बैठे रहते हैं तो वेरिकोज की समस्या और बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से हो, उसके लिए है। तो नीचे तकिया रखने से हमें थोड़ा सा और वो मिलेगा। जो विपरीत करनी होता है वो हाथ के सपोर्ट के साथ भी करते हैं, लेकिन वो टफ़ हो सकता है, इसीलिए मैंने ये आसान वर्जन बताया। तो दोनों पैरों को उठाएंगे और हल्के हल्के सीधा करने की कोशिश करें इस तरीके से। अगर ये करने में आपको दिक्कत है तो यही चीज़ आप बेल्ट के साथ कर सकते हैं इस तरीके से, पैरों के बीच में, लेकिन गैप होना चाहिए आपके कंधे के बराबर। दोनों अंगूठों को अपनी तरफ खींचें और इस तरीके से यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। कम से कम 20 से 30 सेकेंड यहाँ पे रहें। अगर ऐसा करने में आपको दिक्कत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो जब आप बिस्तर पे लेटते हैं जिस तरफ दीवार होती है तो आप दीवार के सहारे पे ये कर सकते हैं। जैसे अपनी एड़ियों को दीवार की तरफ रख दिया और आराम से सपोर्ट ले लिया। तो विपरीत करनी हम लोग ज़्यादा देर भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको सोफे पे कर सकते हैं, पैर थोड़ा ऊपर की तरफ रख के दीवार का सहारा लेके आराम से 2 से 3 मिनट, 5 मिनट आप इस तरीके से लेटे रहें, तो जो भी आपका खून है जो जमा है वो धीरे धीरे इस तरफ आने लगेगा। जब हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे वॉल्व्स ढीले हो जाते हैं जिसके कारण ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, वो वॉल्व्स भी धीरे धीरे काम करने लगते हैं। तो हमें ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ये हुआ विपरीत करनी, तो आप ऐसे सपोर्ट के साथ कर लेंगे, हल्के से पैरों को फोल्ड करके वापस आ गए पैर नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से पहले लेके आए, सिंपल साइकिलिंग कर लेंगे, ठीक है। 10 बार करेंगे, 2 बार, 2 राउंड्स में, यानी कि 20 साइकिल्स करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, पैरों को पहले ऊपर उठाया और हल्के हल्के चलाते रहें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सर्कल बनाना है, आपको जितना कंफर्टेबल हो उतना आप आराम से करते रहें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैरों को ले आए नीचे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। चलिए 10 बार और कर लेते हैं। ध्यान रखिए, तकिया आपका नीचे ज़रूर होना चाहिए, इससे एक्सरसाइज का जो इफ़ेक्ट है वो और अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए 10 साइकिल और कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4,
पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। इसके बाद ले आए वापस। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सुप्त कपोतासन, जिसके लिए राइट वाले लेग को इस तरीके से रख दे जैसे आप चेयर पे बैठते हैं और हल्के से इस पैर को उठाएं, ठीक है। और इस पैर को जो लेफ्ट वाला लेग है उसकी जो अंगूठा है उसको एकदम सामने की तरफ रखें, दोनों हाथों से अपनी इस जांघ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेंगे और यहाँ पे रुकेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। धीरे से हाथ छोड़े, पैर नीचे, ये वाला पैर वापस, सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से इस पैर को भी ले आएंगे वापस। अब ये जो तकिया है इसको हटा देंगे लास्ट के लिए, लास्ट जो आसन करना है उसके लिए। इसको कहते हैं आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। आप देख रहे होंगे जितने भी वेरिकोज वेन की एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें पैर हम ऊपर की तरफ रखते हैं, क्योंकि हमें वो जो ब्लड फ्लो वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ खोलेंगे, जो बड़े वाला अंगूठा है उसको दोनों फिंगर से इस तरीके से पकड़ लेंगे। अच्छी जब ग्रिप बन जाएगी इसके बाद आपको अपनी तरफ दोनों पैरों को खींचना है। ये देखिए थोड़ा सा ओपन करेंगे। अब इसमें गलती क्या होती है, ये हम कर देते हैं, ठीक है, पैर ज़्यादा खोल देते हैं बाहर की तरफ, लेकिन नहीं, ये जो दोनों जांघें हैं वो आपकी बॉडी से सटी हुई, बिल्कुल जैसे आपका जो चेस्ट है उसके पास होना चाहिए और जो अंगूठे हैं वो आपकी तरफ आएंगे ना कि बाहर की तरफ, ठीक है। और ये देखिए मेरी आर्म्स, आप देखिएगा हल्की सी मुड़ रही हैं, अगर मैं खोल दूंगी तो आर्म सीधी हो गई, तो देखिएगा कि आपसे ये गलती ना हो। आर्म को मोड़ के रखेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे अंगूठे को। इसके बाद आप यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। बहुत अच्छा आसन है। फिर क्या करेंगे, हल्का हल्का रोल करेंगे साइड्स में, धीरे धीरे रोल होते रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, 10-15 बार इस तरीके से कर लेंगे। वेरी नाइस। बीच में आएंगे और धीरे से पैरों को ले आएंगे वापस। आप जब ये पूरा करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। पलट के पेट के बल लेटेंगे आखिरी आसन के लिए, तो आप इस तरीके से लेट जाएं। इसको कहते हैं अर्धभीकासन, हाफ फ्रॉग पोज। तो आप इस तरीके से पहले लेटेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ये वाला हिस्सा उठा के, ऊपर वाले हिस्से को उठा के अपने लेफ्ट हाथ को इस तरीके से सामने रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, कंफर्टेबल रहें। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना राइट लेग, ठीक है, तो लेफ्ट वाले को आगे हमने फोल्ड किया है और जो राइट वाला लेग है इसको हम पीछे लेके आए, राइट वाले हाथ से ही राइट वाले लेग को इस तरीके से प्रेस करेंगे। अब देखिए इसमें गलती क्या होती है, जब आप प्रेस कर रहे हैं तो हाथों की पोजीशन आप मेरी देखिएगा, एक तो होता है इस तरीके से प्रेस करना, लेकिन मेरी जो फिंगर है वो इस तरफ है, तो आपको क्या करना है, रोल करना है और फिंगर आपके पैरों की और हाथों की डायरेक्शन एकदम सेम होनी चाहिए। तो ये होता है अर्धभीकासन। तो आप देख रहे हैं मेरे पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां एक डायरेक्शन में है, ये नहीं करना है, ठीक है। इसको घुमा करके इस तरीके से, और यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे और सामने देखेंगे। ये बहुत अच्छा आसन है वेरिकोज स्पाइडर वेन्स के लिए। सामने देखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। यहाँ पे आपको 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक रुकना है।
नॉर्मल ब्रीथ करते रहें, हल्के से पैर को ले आएँ वापस। यही सेम चीज़ हम दूसरे हाथ से कर लेंगे। इस बार जो राइट हैंड है उसको यहाँ पे रखा, लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड किया और ये देखिए पीछे गया हाथ, और इस तरीके से उंगली रखी और फिर सामने देखेंगे। आराम से यहाँ पे होल्ड करें, आपका जो चेस्ट है वो ऊपर अच्छे से उठा हुआ हो ये ध्यान रखिएगा। सामने बिल्कुल देखते रहेंगे और हाथों से जो आपकी पाम है, हथेली है, उससे धीरे धीरे वो प्रेशर बना के रखिए। धीरे धीरे सांस लेते रहें, इस आसन को महसूस करें, फील करें, और बहुत ज़्यादा आप ज़ोर से ना दबाएं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी जितनी अभी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से करेंगे। पैर को ले आएं वापस। तो ये हुआ अर्धभीकासन, और इसके बाद आकर के आप सीधे होके बैठ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ वेरिकोज वेंस के लिए, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो पहला टिप दोस्तों ये है कि जब भी आपको पेन बहुत ज़्यादा हो, स्वेलिंग हो, तो आप नारियल का तेल गरम करें, उसमें थोड़ा सा कपूर डालें, और इसके बाद आप अच्छे से मालिश करें, आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऊंची एड़ी की चप्पलें नहीं पहननी है, उससे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्लैट चप्पल पहने, और ऐसी चप्पल पहने जिसका जो सोल होता है वो गद्देदार हो, मुलायम हो। तीसरी चीज़ ये कि आप कभी भी जब भी नीचे बैठे हुए हैं तो आप अपने पैरों को ज़्यादा देर लटकाएं नहीं, पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें। जब आप टीवी भी देखते हैं तो पैरों को आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, नीचे कुशन रख सकते हैं, और अगर किसी भी कारण आपको बैठना पड़ जाए बहुत देर के लिए, तो आप हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा वॉक करें, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके साथ अगर आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है तो कंप्रेशन सॉक्स आते हैं, आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। ये सॉक्स आपको पहन के रखने हैं जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा नीचे इकट्ठा नहीं होगा, गांठें नहीं पड़ेंगी। तो आप ये कंप्रेशन सॉक्स पहन सकते हैं, ये भी आप एक तरीका है, लेकिन ये तब है जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ आपको पोटेशियम रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे केला वगैरह आपको खाना चाहिए, क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है जिससे ब्लड फ्लो, आपका जो खून है वो और भी थिन हो जाता है, सेल्स में आपके पानी रुकने लगता है, जिससे वेरिकोज वेन्स की जो परेशानी है वो और बढ़ जाती है। तो आप अपने खाने में थोड़ा पोटेशियम बढ़ा दें जिससे आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ट्राई कीजिए, वॉक करते रहिए, योगा करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, तो प्रॉब्लम इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी अभी आपको महसूस हो रही है। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आप योग कीजिए और मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको आराम मिला या नहीं। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।